क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो गिवन पावर सीरीज है उसके, दैट इज समीशन एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एक्स रेड टू पावर एन माइनस टू एन लॉग एन। सो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एन एक्स की पावर एन फॉर्म में। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पुट करने हैं एन माइनस टू को एम, कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हो, एम टी के कुछ भी। सो एन माइनस टू इक्वल टू एम। सो जब एन की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल होगी तो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। सो व्हेन n विल अप्रोच टू इन्फिनिटी देन m विल आल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी। सो ये जो गिवन पावर सीरीज थी ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेड टू पावर m अपॉन, सो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पे m प्लस 2 के इक्वल होगी। सो n इक्वल टू m प्लस 2 इंटू लॉग m प्लस 2 के इक्वल। सो यहाँ से हम ए एम की वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए लिमिट ऑफ रेशियो निकालनी होती है, दैट इज ए एम अपॉन ए एम प्लस 1 की रेशियो, ए एम अपॉन ए एम प्लस 1, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास ए एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए एम की वैल्यू होगी 1 अपॉन एम प्लस 2 इंटू लॉग एम प्लस 2, राइट। हमने इस वाली यहां से हमने ए एम की वैल्यू फाइंड आउट, सिमिलरली ए एम प्लस 1 विल बी 1 अपॉन एम प्लस 3 लॉग ऑफ एम प्लस 3। अब ये दोनों वैल्यूज ए एम और ए एम प्लस 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, अब ये दोनों वैल्यूज ए एम और ए एम प्लस 1 की वैल्यूज हम आर में इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो वी गेट लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी AM is 1 upon m plus 2 into log m plus 2 and AM plus 1 will be 1 upon m plus 3 into log m plus 3, right? So we write, द्वारा लिख लेते हैं इसे, limit m approaching to infinity m plus 3 upon m plus 2 limit m approaching to infinity log m plus 3 divided by log m plus 2, right? यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि लिमिट अगर आपके पास x अप्रोचिंग टू a दिया हो और f ऑफ x इंटू g ऑफ x हो, सो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचिंग टू a g ऑफ x, राइट। सो m अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, अगर m इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं सो इट विल बी फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, हेयर ऑल्सो log m प्लस 3, एज m विल अप्रोच टू इन्फिनिटी log m विल ऑल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये भी आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना रही है, ठीक है। दोनों के ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो m प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा लिमिट m अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी m प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, दैट इज 1 divided by 1. Similarly, limit m approaching to infinity log m plus 3 का derivative होगा 1 upon m plus 3 divided by 1 upon m plus 2. So, इसे फिर से rearrange करके लिखते हैं, limit m approaching to infinity we get m plus 2 divided by m plus 3. फिर से ये infinity by infinity form है, L'Hopital rule apply करने के बाद हमारे पास इसकी limit का answer होगा 1 के equal, right? सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गई इस केस में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन पावर सीरीज इज इक्वल टू 1।